हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल राइडर गियर्स, जहाँ पे हम हर बार आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गियर्स, गैजेट्स, टिप्स, ट्रिक्स, एक्सेसरीज और भी बहुत कुछ लेके आते हैं जो आपके लाइफ को और आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। रिसेंटली कुछ महीनों पहले हमने एक प्रोडक्ट रिव्यू किया था जो था सनस्क्रीन जैकेट ब्लू टाइगर ब्रांड की तरफ से। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे निगेटिव भी कमेंट्स आए हैं। उसके बारे में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव मैंने शेयर किए थे, बट उसको रियल वर्ल्ड में हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया था। जबकि ये प्रोडक्ट एज अ सनस्क्रीन बनाया गया है, इसको रियल वर्ल्ड में बाहर टेस्ट करते हैं और जानते कि या क्या ये जैकेट सच में फंक्शनल है या फिर जस्ट हाइप है। अभी मेरे हाथों की हालत आप देख सकते हो, ऑलरेडी इसकी थोड़ी थोड़ी टैनिंग हो चुकी है। दोनों हाथ दिखा देता हूँ, धूप में घूम घूम के थोड़ी थोड़ी टैनिंग तो हो चुकी है इसके ऑलरेडी, फिर भी इसमें थोड़ी जान बाकी है। तो हम सनस्क्रीन जैकेट वेयर करेंगे, एक हाथ को मैं ऊपर रखता हूँ और एक हाथ को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ सनस्क्रीन जैकेट के क्लॉथ से, और बाहर घूमते हैं कुछ घंटों के लिए। देखते हैं कि ये सच में सन के रेस से हमको प्रोटेक्ट करता है या नहीं। तड़कती भड़कती धूप में घूमेंगे, देखेंगे ये सच में फंक्शनल जैकेट है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। अब क्योंकि एक हाथ को हमको ओपन रखना है, तो इस हाथ को जिसमें वॉच पहना है उसको मैं ओपन रखता हूँ, और ये जो दूसरा हाथ है इसको फुल्ली क्लोज रखते हैं जहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकता है। और अभी बाहर घूम के चेक करते हैं। इस तरह से छाव में से धूप में ट्रांजिशन हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 हो रहे हैं, तो धूप अच्छी खासी ही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा एक जो हाथ है वो फुल्ली कवर्ड है और दूसरा हाथ ओपन रखा है सन को एक्सपोज होते हुए। अभी ये हमारी ट्रैवलिंग कुछ घंटों के लिए चलेगी। हेलो गाइस, दिस इज आई थिंक चौथा या पांचवा दिन होगा। लास्ट 5 डेज से मैं कंटिन्यूसली ये जो हमारा सनस्क्रीन जैकेट है ये पहन के ट्रैवल कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, बाइक पे वॉक करते हुए। तो देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारे टेस्टिंग का। सो दीज आर माई हैंड्स, ये राइट हैंड है जिसको मैं हमेशा ऊपर फोल्ड करके रख रहा था जैकेट, और ये पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं वॉच पहनता हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है, आपको ये हिस्सा ज़्यादा फेंट क्या बोल सकते हैं, जिसको ज़्यादा लाइटर दिखेगा, जिस पे सनरेज ज़्यादा पड़े नहीं है, तो यहाँ टैनिंग हुआ नहीं है। बाकी का हिस्सा आप नोटिस कर सकते हो, इतना पोर्शन क्योंकि यहाँ तक फोल्ड रहता था। तो ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है दिस इज मच डार्कर, जबकि मैं दूसरा हाथ मेरा लाता हूँ आगे, तो यू कैन कंपेयर, ये वाला पोर्शन इज लाइटर एज कंपेयर्ड टू ये वाला पोर्शन। ये एरिया भी देखिए कितना डल सा लग रहा है। इसको और कुछ दिनों तक स्ट्रेच करते हैं और कुछ दिनों तक यूज़ करते हैं। ये तो 4-5 दिनों का रिजल्ट हुआ और मुझे पता भी नहीं आप नोटिस कर पा रहे हो या नहीं ये टोन्स, बट आई कैन सी इट। तो कुछ दिनों बाद फिर से टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये सच में कुछ फ़र्क पड़ता है इससे या नहीं। हेलो गाइज, ये प्रोडक्ट को टेस्ट करते हुए शायद 2 वीक्स का टाइम गुजर चुका है। अभी अभी जस्ट तड़कती भड़कती धूप में से आया हूँ राइड करते हुए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मैंने एक हाथ को ऐसे ओपन रखा है और एक हाथ को ये जैकेट से क्लोज रखा है। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, टैनिंग हुई है क्या। जैसे इसको बोलते हैं सनस्क्रीन जैकेट, तो इसने सन के रेस से यूवी रेस से मुझे प्रोटेक्ट किया है क्या, वो हमको समझ में आएगा। तो आपके आगे ही फटाफट से मैं रिजल्ट्स दिखाता हूँ। जैकेट को कर लेते ओपन, यहाँ पे मैं माइक फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको आवाज़ ठीक से सुनाई दे। ठीक है, अभी जैकेट ओपन करता हूँ। ये रहा ओपन वाला हाथ, पहले वॉच ओपन कर लेते हैं। देखिए वॉच ओपन करते ही आपको दिखेगा कि वॉच के नीचे का हिस्सा जो है उसका शेड लाइटर है, और उसके ऊपर जो एरिया ओपन था वो देखिए आपको डार्कर शेड दिखाई देगा, ये यहाँ तक। अभी जैकेट को हटा देता हूँ, ये देखिए यहाँ तक जैकेट था, यहाँ से ऊपर का टोन देखिए
और ये वाला टोन देखिए, इतना हिस्से का ऑलरेडी टैनिंग हो चुका है, ब्लैक पड़ चुका है हिस्सा वो। इसके कंपैरिजन में दूसरा हाथ दिखाता हूँ, बहुत ही मीन्स हाथ तो दोनों ब्लैक ही है, बट जो शेड है वो आप देख सकते हैं। ये इतना हिस्सा जो है वो मोस्टली ब्लैक पड़ा हुआ है, ज़्यादा डार्कर टोन में दिख रहा है, जबकि दूसरा हाथ जो कवर्ड था वो सिंगल टोन में आपको दिखेगा, जैकेट ने वो हिस्सा कवर कर दिया था। ये देखिए, तो जो इस जैकेट का पर्पस है, शायद ये जैकेट सॉल्व कर देता है, शायद नहीं कर ही देता है। अगर इसको आप सनस्क्रीन जैकेट बोलते हो तो सन के रेस चाहिए तो बचा ही रहा है आपको, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें भी इससे मिल रही है। जैसे धूप गर्मी में आप जैकेट नहीं पहन पाते हो, मोस्टली जो जैकेट्स रहते हैं वो थिक लेयर्ड होते हैं, तो उससे आपको गर्मी महसूस होती है, अंदर पसीना आता है, तो इससे थोड़ा सा थिन मटेरियल होने की वजह से एक वेंटिलेशन बनता है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली धूप में इसको वेयर कर सकते हो। एकदम ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी आपको, अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो अगर ऑफिस आप डेली जा रहे हो और ऑफिस के फॉर्मल क्लोथ्स के ऊपर ऐसी लेयरिंग रहती है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो ये सनस्क्रीन की तरह काम करता है, दूसरी चीज़ जो धूल मिट्टी पोल्यूशन है वो आपके फॉर्मल पे, आपके ऑफिस के कपड़ों पे नहीं बैठती है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम तक आपके कपड़ों को फ्रेश रख पाते हो, उसको बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको कंटिन्यूसली 2 वीक तक मैंने ऐसे ही धूप में चला चला के टेस्ट किया है, तो हाथों की हालत आप तो देख ही सकते हो। ये देखिए, ये वाला जो शेड है वो दूसरे हाथ के टोन से मैच होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉच था तो वॉच के नीचे के हिस्से पे सन के रेज नहीं पहुँच पाए, बट यहाँ से यहाँ का जो शेड है वो डार्कर हो चुका है। तो ये रहे रिजल्ट इट्स टेस्ट के, इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं बट तब तक मेरा हाथ पूरा ब्लैक पड़ जाएगा शायद, तो दोनों हाथ मैच नहीं हो पाएंगे, तो वो मैं नहीं करना चाहता। इतना प्रूफ काफ़ी है इसको प्रूव करने के लिए कि ये सन के रेस से बचाता तो है। रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स ऐसे दिख रहे थे कि ये एक स्कैम है या फिर ये प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं है, तो ये रहा प्रूफ कि ये प्रोडक्ट यूज़फुल तो है, बट हाँ एक चीज़ मुझे लग रही है कमेंट्स पढ़ के कि इसका जो सेल्स एंड सपोर्ट सर्विस है वो वर्स्ट है। तो शायद अगर ब्रांड वालों तक ये वीडियो पहुंचती है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका आफ्टर सेल्स सपोर्ट, रिटर्न, रिफंड, ये पॉलिसीज़ आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, प्रोडक्ट तो आप बेच दोगे बट जो कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तो प्लीज़ आपका जो रिफंड सिस्टम है, रिटर्न सिस्टम है, कस्टमर सपोर्ट है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, ताकि आपका ब्रांड वैल्यू बढ़े, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अच्छे वे में पहुँचे, ना कि उसके कुछ ख़राब चीज़ें उनके दिमाग में बैठे रहे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला रहेगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।